जीतना अगर इतना इजी होता तो आज हर कोई नॉट गिनने में बिजी होता। वो आज कुछ कर गए जो इतनी कठिनाइयों में भी मस्त थे, बाकी तो साले हार का मातम बनाने में व्यस्त थे। साहब अपनी अलग ही दुनिया में रहते थे, आज सक्सेस हो गए और हम उन्हें पागल कहते थे। पर मुझे ये बता, मैं क्यों हार रहा हूं? मैं तो बहुत सोचता हूँ, मुझ में दम है। क्योंकि तू सोचता बहुत है, करता कम है। डर लगता है कहीं फिर से हार गया तो, या तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम फिर खड़े हो या अब बिस्तर में पड़े हो। दुनिया में इतने सारे लोग कुछ करने का सपना देखते हैं, फिर कुछ ही लोग सक्सेस क्यों होते हैं? सक्सेस होने की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती ना दोस्त, इसलिए डर के हमारे सब क्विट कर देते हैं। सबको श्योरिटी चाहिए और साले खुद को खतरों के खिलाड़ी बताते हैं। तुझे क्या लगता है ये कुछ कर पाएंगे? घंटा कर पाएंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप की लत तो छोड़ी जाती नहीं इनसे। ये करेंगे सैक्रिफाइस, बाबा त्याग करना पड़ता है उन सभी चीजों का जिनसे अभी तू कंफर्ट जोन में है। जीतने के लिए, कुछ पाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, खुद को इस जंग में धकेलना पड़ता है, तब जाकर शुरू होगा तेरा बुरा वक्त यानी कि अच्छा वक्त। क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है, असल में वही उसका सबसे अच्छा वक्त होता है। बहुत सी चीजें समझ में आती है, लोगों की औकात पता चलती है। इसलिए जितना भी बुरा वक्त चल रहा है उसे झेल। अगर ये जंग गेम ऑफ सर्वाइवल है तो साले खेल। खुद पर रोने का वक्त नहीं है तेरे पास, मत रख किसी से कोई आस। कोई नहीं तोड़ सकता है तुझे जब तक खुद पर है विश्वास। जो कुछ भी है तेरे पास सब दांव पे लगा दे। अगर जुआरी बनना है तो बड़े वाला बनना, जिसमें जीत किस्मत से नहीं मेहनत से होती है। अब ध्यान से सुन, अपने आप को फिर से जगा के जितना जोर है सब लगा दे। एक सांस में निकल जा सारे दुख, जगाए रख अपनी भूख। ऐसे खाने से नहीं पानी से मिटेगी तेरी तकलीफें, चखड़े हुए हर तरफ से एक आवाज, खुद की सुन तेरी बारी। आने वाली हर चुनौती स्वीकार कर, कुछ ऐसा सोच कर, रोना नहीं सब छोड़ कर, बढ़ आगे, पीकर सारे आंसू के घूंट, आगे उठ। अभी बहुत आगे तक चलना है, इंतजार मत कर यार। नहीं आने वाला ऐसा कोई टाइम जो तेरे हिसाब से परफेक्ट हो। एक सच तो ये भी है कि जीतना आसान नहीं है। शायद तुझे बुरा लगा हो, शायद ये सुनकर तू उदास हो गया हो। बावजूद इसके तू तैयार है अपने आने वाली सारी प्रॉब्लम्स के साथ कमिट होने के लिए, तो मुबारक हो, अब जीतना आसान है। सोच सोच का फर्क है भाई, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जो भी तू चाहता है उसके लिए लड़ना छोड़ दिया ना, तो जो तू नहीं चाहता वो खुद तेरे पास आने लगेगी। खुलकर बोलना, हाँ मैं भूखा हूँ, हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मैं लालची हूँ, इसमें बुराई क्या है? ये दुनिया इनडायरेक्टली तेरा हिस्सा तुझसे छीन कर मिल बांट के खा रही है। उनसे छीनना पड़ेगा तुझे, उन्हीं के तरीके से, इनडायरेक्टली।